एक व्यूवर का क्वेश्चन है कि मैस या मैसिंग क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। मैस या मैसिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो गड़बड़ कर देना या कोई चीज खराब कर देना। जैसे कई बार आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं अपनी भाषण में दो लाइन गड़बड़ कर दिया या दो लाइन खराब कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मेस टू लाइन्स इन माई स्पीच, यानी मैंने अपने भाषण में दो लाइन गड़बड़ कर दिया या खराब कर दिया। यहाँ गड़बड़ करने के लिए मैंने बोला मेस्ड, क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट का है जहाँ मैंने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। अगर आपको कहना हो तुम गड़बड़ कर रहे हो या तुम खराब कर रहे हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर मेसिंग। और अगर आपको कहना हो गड़बड़ी के लिए माफी चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सॉरी फॉर अ मेस, यानी गड़बड़ी के लिए माफी चाहता हूँ। अगर वे लोग स्टेज पर गड़बड़ी करते हैं तो घबराना नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ दे मेस ऑन द स्टेज डोंट पैनिक, यानी अगर वे लोग स्टेज पर गड़बड़ी करते हैं तो घबराना नहीं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि मेस का मतलब होता है गड़बड़ कर देना और मेसिंग उसका कंटीन्यूअस फॉर्म है, यानी जब आपके सेंटेंस रहा रही में होगा तो आप मेस के जगह पर मेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है। यह मैं आपको बता दूं कि मिस के और भी कुछ मीनिंग होते हैं, जैसे गंवा देना, गंदा कर देना या मैला कर देना, या फिर भोजनालय यानी वो जगह जहां से लोग अपना खाना लेते हैं। आइए एक दो एग्जांपल्स और देख लें। अगर आपको कहना हो मैंने एक बड़ा मौका गंवा दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I messed a big time, यानी मैंने एक बड़ा मौका गंवा दिया। यहाँ वर्ड मिस का मतलब है गंवा देना। अगर आपको कहना हो वह अपना ड्रेस गंदा कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He messed his dress, यानी वह अपना ड्रेस गंदा कर दिया। यहाँ वर्ड messed का मतलब है गंदा कर देना। अगर आपको कहना हो मैं भोजनालय जा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I'm going to mess, यानी मैं भोजनालय जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप बड़े शानदार तरीके से वर्ड मिस का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए